जल्दी जल्दी निकाल दो सारा सामान, अब और रुकने का मन नहीं करता है। ये कर दे, अब तुम अपने पैर छुपा ले हो, मुँह पे हाथ जोड़वा ले हो। देखो मैं कोनी तक हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम मुझे रोको मत ही ना। देखो मैं तुम्हारे पैर छुए को तैयार हूँ, पर देखो तुम मेरी माँ दा खिलो सही है। तुम तो आज मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, अंधेरी में बैठा हूँ तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे घर में कभी जिंदगी में मर जाऊंगा, पर इतना कभी झांकूंगा ना तुम्हारे घर पे। यार इतनी उसमें दिन रात मेहनत की थी हमने, दो दो बजे तक मेहनत करते, पूरी दोपहर ये चांद पे होकर निकल जाती भाई, सब काले पड़ गए। और फिर भी यार उस मेहनत का कुछ मिला नहीं हमें, मिला यही कि उसका सिला यही मिला बस। हाय फ्रेंड, ये देखिए हमने कितना प्यारा अपना घर बनाया था आशियाना, इतनी मेहनत करी थी, रुपया लगाया था, इसी दिन के लगाया था कि बस दो दो चार दिन इसमें रह पाएंगे, उसके बाद ये उखाड़ के ले आना पड़ेगा। अब इसको हम ले आ रहे हैं फ्रेंड अपना, उखाड़ के कहीं डाल देंगे। बर्तन फूट ना जाए कुछ, सोचा था कभी ऐसा हुआ यहाँ पे। चलो आप हमारे साथ, ठीक है, ले आ रही हूँ अपने बच्चों को फ्रेंड। पहले ये तिरपाल खोल दो यहाँ से, ठीक है, उसके बाद सामान इकट्ठा करेंगे। पहले चादर को हटा लेते, आगे का सामान इकट्ठा करते, फिर बर्तन इकट्ठे करेंगे फ्रेंड। दिन रात धूप में, रात में यहाँ पे मैं लगी रहती थी इसको सजाने में फ्रेंड, इसी दिन के लिए सजाया था। जल्दी जल्दी निकाल दो सारा सामान, अब और रुकने का मन नहीं करता है। ये देखिए फ्रेंड, सौरभ ने तिरपाल निकाल दिया यहाँ से, अब देखो कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब ये पूरा घास आस निकालेंगे, बर्तन इकट्ठा करेंगे। बर्तन ले आने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सारा बर्तन मिट्टी का ही है, इतना महंगा बर्तन लाए थे, फूट जाएगा, थोड़ा हिसाब से ले जाना पड़ेगा। निकाल दो जल्दी जल्दी। यहाँ डाल देती हूँ, यहाँ से बाद में उठा लेंगे हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, तिरपाल निकाल दिया है, और तिरपाल निकालने के बाद कैसा लग रहा है। हम लोग इसको और सजाने वाले थे, अच्छा हुआ नहीं सजाया, यहाँ पे छप्पर अप्पर लगाते और भी सजाते, डेकोरेशन करने वाले थे, अच्छा हुआ फ्रेंड समय पे हमारी आँख खुल गई, चीजें सामने आ गई। अभी बर्तनों की पैकिंग कर लेते हैं फ्रेंड, ये बर्तन बहुत ही हिसाब से हमें ले जाने पड़ेंगे। ये जो बर्तन है वो मिट्टी के हैं, तो हमें इस तरह से अगर लेके जाएंगे तो ये ना टूट जाएंगे पूरे, तो हम लोग इसके लिए कुछ घास वगैरह, कुछ कूड़ा कवाड़ा लेने जा रहे हैं रोड से, तभी इसमें कार्टून में रखे ले जाएंगे, वरना ये फूटने का डर है। आ जाओ, पन्नी तो हमने निकाल ली है यहाँ से, अब बर्तन वगैरह रह गए, वो भी थोड़ी देर में। ये देखो मेरा बच्चा, ये अभी भी इसको अपना घर समझ रहा है। बाबू ये तुम्हारा घर नहीं है मेरे लाल। काश ये समझ पाता है, काश मेरा बच्चा समझदार होता, ये समझ पाता सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है। फ्रेंड ये देखो यहाँ पे ये हरी हरी घास है, इसी से काम चलाएंगे। ये घास ऐसे निकाल के ले जाएंगे इस तरीके से, और बर्तनों के बीच बीच में इसे लगा देंगे, बर्तन टूटने का डर नहीं रहेगा। वैसे तो इसके अंदर कागज वगैरह लग के आया था, अब कागज कहाँ से लाएंगे, इतना सारा अखबार वगैरह, तो इसी से काम चलाएंगे घास से। तो इधर सौरभ निकाल रहे हैं घास, इतना निकाल लिया इन्होंने। फ्रेंड ये देखिए सौरभ ने और मैंने इतना घास बना लिया है, ये देखिए, और इसको अब लेके जा रहे हैं ऊपर, बर्तनों में लगाएंगे, और उसके बाद पूरा सामान इकट्ठा करके और चलते हैं। ये बहुत ज्यादा घास है लेकिन कम दिखाई दे रहा है, मोटा है। अभी मम्मी का कॉल आया था और मम्मी मेरे से बोल रही है कि गलती हो गई,
दारू पी के ऐसे नाम ले दिया था सौरभ का झूठ मठ को चोरी का। और चला मुँह मान ले गलती है कि दारू पी के तो, अब तो सादा मूड में है, अबू मेरा ही नाम ले रहा है। तो ये डिसाइड करेगा क्या करना है, क्योंकि देखो हर बार मेरे चक्कर में ये पिछता है, तो इसे भी अपना डिसीजन लेने का हक है अपने। तुम्हारी मम्मी ने कॉल आ गया फ्रेंड, बात करो, बात करो तो सही। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, क्या कह रही? देखो बेशक शराब पी के कदे, अब तुम अपने पैर छुपा लियो, मुँह पे हाथ जोड़वा लियो। देखो मैं कोनी तक हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम मुझे रोको मत ही ना। देखो मैं तुम्हारे पैर छुबे को तैयार हूँ, पर तुम मुझे रोको मत ही ना। अब देखो तुम मेरी माँ दा खिलो, सही है? तुम तो आज मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, अंधेरी में बैठा हूँ तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे घर में कभी जिंदगी में मर जाऊंगा, पर इतना कभी झाँकूंगा ना तुम्हारे घर पे। ये लोडिया की बातन में आके आ जाता हूँ मैं तुम्हारी के में, अब जाऊ की बातन में नांगू में, जैसे कछू के पे जे आके रह जाओ तुम्हारे यहाँ पे, पर मैं अब कबू नांगू तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे इधर कभी झाकूंगा ना। मैं इधर मर जाऊंगा भूखो रह लूंगा, पर इधर ना झाकूंगा तुम्हारे यहाँ पे कभी। ये लोडिया की बातन में आ जाता हूँ मैं, जे नामांत पर मैं जाऊ की बात ना मानूंगा, चाहे कछू है जाए, चाहे जे आ जाए तर, फिर मैं नांगू कबू ना। ये बहुत है गई, हर समय की वही रारबाजी होता है, हर बार आ जाते हैं मैंने बालकंदन की बातन में आके, फिर शांत की और कलुआ के जिद करते हैं, तो ये आ जाता हूँ मैं। मैंने कि चलो बचपन से संग रहे हैं, बुला रहे हैं तो कोई दिक्कत ना, पर हर बार ही तो ऐसे ही होता है। अब देखो दो बार पहले है वो, एक बार अब ऐसे थोड़ी ना हो हर बार। फ्रेंड मेरा भाई है, वो कह रहा है कि जाने दे, क्यों रोक रही है इसको, भगा यहाँ से, ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से जो बर्तन थे हमारे मिट्टी के, यहाँ से पूरे निकाल लिए, पैकिंग हो चुकी है। ये घास वगैरह लगा के हमने इनको अंदर रखा है, थोड़े बहुत और रह गए वो भी चले जाएंगे। जो भी यहाँ का सामान था वो हम यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, और वहाँ पे अपना जो है वो हमने थोड़ा सा रख लिया है, और बाकी का सुबह ले जाएंगे। थोड़ा बहुत हमने पैकिंग सारी कर ली है, थोड़ा रह गया, थोड़ा लेके जा रहे हैं, तो सुबह गाड़ी लेके आएंगे। गाड़ी में जाएगा ये, ऐसे नहीं जाएगा, अभी चलते हैं यहाँ से। फ्रेंड ये देखिए, सामान लेके जितना आया था हमसे उतना लेके आ गए हम, बाकी का पैक करके रख दिया है। गाड़ी सुबह गाड़ी करेंगे, सामान वाली उसी से आएगा, अभी जा रहे हैं अंदर हम लोग। तो फ्रेंड जितना हमसे हुआ उतना सामान हम लेके आ गए थे अपने साथ, क्योंकि मिट्टी का सामान है, वैसे लेके आते तो फूट फाट जाता, तो जितनी मुझसे पैकिंग हुई उतनी मैं करके वहाँ पे रखे आया हूँ। और जो लकड़ी का है उसे हम कल सुबह जाके खोलेंगे, और एक टेम्पो करके लेके आएंगे, उसमें यहाँ लाके छत पे डालेंगे। और भाई यार इतनी उसमें दर रात मेहनत की थी हमने, 2-2 बजे तक मेहनत करते, पूरी दोपहर ये चांद पे होकर निकल जाती, भाई सब काले पड़ गए, और फिर भी यार उस मेहनत का कुछ मिला नहीं हमें, मिला यही कि उसका सिला यही मिला बस, कि जितनी उसमें मेहनत, अरे मेहनत रुपया सब चला गया, पैसा तो गई गए, और पैसा तो ज्यादा तो हम मेहनत कर ली यार हमने। तो हम लोग आप लोगों से इसी ब्लॉग में कल मिलते हैं, कल वहाँ से सबके सामने सामान लाएंगे, और चोरी का नाम तो लगी गया, अभी तक चोर का नाम सामने नहीं आया। हमें इतना पता है कि हमने चोरी नहीं करी है, हमें तो खामे खा फंसाया जा रहा है बस हमारा। अबे फंसाया क्यों जा रहा है ये समझ में ना रही यार, मतलब ऐसी क्या वजह है? वो तो भगवान ही जाने, ऐसी कोई वो नहीं है, इंसान नहीं है कि हमारे किसी के अंदर की बातें बता दे। फ्रेंड अभी हम लोग सो जाते हैं, और मॉर्निंग में आप लोगों से इसी वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए सुबह हो चुकी है, और हम लोग सुबह होते ही अपना सामान लेने जा रहे हैं फिर से, जहां हमने सामान इकट्ठा किया था, अपने सपने सजाए थे कि यहां पे हम रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे सपनों पे ये मान लो पानी फिर गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, रात को हम लोग सारा सामान इसलिए नहीं आए लाए थे, मिट्टी का ज्यादा था, टूट जाता फिर वो। चलो हमारी झोपड़ी खुलवा दो,
एक दो लोगों की बस की बात नहीं है, दो चार लोग होने चाहिए तब जाके हमारा जो बॉम्बो हाउस है वो खुलेगा। ये हमारे लिए दूसरा दिन है फ्रेंड, ये देखिए फाइनली हम अपनी झोपड़ी पे आ चुके हैं। थोड़ा सामान हम कल ले गए थे और थोड़ा आज ले जाते हैं। सामने की जो लटक पन्नी अन्नी सब ले गए थे, बर्तन वगैरह रह गए इन्हें भी ले जाते हैं। ये देखो हमारी बेल कितनी बड़ी है गई। सब्जियां उगाने के लिए इतने सारे पौधे बेल वगैरह लगाए थे, अब ये किसी काम के नहीं है फ्रेंड। हम तो जाने लगे फ्रेंड यहाँ से, और ये देखिए चिड़िया भी यहाँ आने लगी है और अपना आशियाना बना लिया। कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहीं छोड़ आएंगे, अपने रैलियां करेंगी वो। अब बार ये छत खोलने की, सौरभ छत खोल रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए छत पे लगे हुए हैं। अब मम्मी का यही कहना है कि इसको क्यों खोल के ले जा रही है, क्यों ना खोल के ले जाए, किस मुंह से हम लोग यहाँ रहे बताओ। आप ही बताओ फ्रेंड कैसे हम लोग यहाँ रह लें। हम नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से जाएं, हमने जाने के लिए थोड़ी ना इतनी मेहनत करी थी, लेकिन हम मजबूर हो गए जाने से, बताओ क्या कर सकते हैं। नीचे आओ उतर के एक मिनट के लिए। अरे आओ तो सही यार, अरे आ जा जल्दी आओ यार निकल के। अब हम अपना बनाया हुआ सामान फ्रेंड उतार के ले जा रहे हैं, तो मम्मी रो रही है कि यहाँ से मत जाओ, ये घर बेकार लगेगा जाने के बाद, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, बताओ क्या करें, दोनों तरफ फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा हम ही क्या करें, मर जाए क्या करें। दुख तो हमें लगे है, या को करना है तो हमें दुख ना है, हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ गया, हमें कछु ना है। अपनी औलाद को देखो, औलाद औलाद की माँ है, माँ बाप की याद में दुख जाए, पर औलाद की तो दुख होते तो। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारा चोरी का नाम भी लगा दे, उसके बाद हम लोग कौन रह सकता है ऐसे। हम लोग भी वहाँ से अपना सामान लेके जा ही रहे थे। तू कहाँ जा रही थी सामान लेके, तेने तो मैं रोक लो, मैं रोको हाँ। अच्छा मैं तो ना रोको यार, मम्मी बुला रही है यार, मम्मी मेरे से बोल रही थी कि मत जा, चादर उखार के रुक जा बाबू। तो ये तो अपने काम सामान भरने में मस्त था, तो मम्मी रो रही थी और मेरे से कह रही थी कि मैंने तो तेरा नाम नहीं लिया, तेरे पापा ने लिया था, तो वो, का तो वो दारू पी के तेरा सौरभ का नाम ले दिया होगा। दारू में आदमी एक तरह से पागल हो जाता, कुछ भी बोल देता है, तो दारू वाले आदमी की माफ भी कर दी जाती है। तो गाइस दारू पी को और कछु कहेंगे बाबू, हम तो माफी का तडोल है, इतनी बेइज्जती पे कौन रुके होगा यार। कोई 1500 की बात होती तो तुझे 50,000 की है, कल लुगुनो कहेंगे हमारी सोनी की चैन चुर गई। बच्चा तुम्हारे पास है? कोई जगह है इसको लगाने के लिए, जगह है तुम बता दो कि तो ये जगह है, कितने कर ले काम में लगा लेंगे प्लॉट में, बाकी पैसों तो होने चाहिए फ्रेंड। हमें सामान हमारा हम वैसे ले जा रहे थे, लेकिन मम्मी रोने लग गई कि सामान यहाँ से मत ले जाओ, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना उत्तराखंड रह लेना अपने। तो हमारे पास भी कोई जगह नहीं है, हमारे पास खुद की जगह होती तो हम क्यों वहाँ पे लगाते, हम खुद ही अपनी जगह में लगा के रहते। दोस्तों मम्मी रोने लग गई थी, सामान बिल्कुल भी नहीं ले जाने दे रही, हमें पता हम कितने परेशान है ठीक है,
उनके तो पैसे गए हैं, किसने निकाले किसने नहीं, ठीक है उनकी चोरी हुई है, लेकिन हमारा देखो हमने दिन रात एक करी थी, रात को दो दो तीन तीन बजे तक अपने कंधे पे ईंट धोता था, ये एक एक दो दो ईंट इकट्ठा करके और वो ईंटों को ऊपर लेके आता था, उसके बाद जो भी रुपया जोड़ा था हमने सारा का सारा उसी में लगा दिया, उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिली। अब ये क्या चला, इनकी चोरी हुई है नहीं हुई है, पैसे किसने निकाले हमें कुछ नहीं पता, लेकिन नाम किस लिए लिए, किस क्यों लिया है, किस लिए लिया है वो तो हम खैर पता ही करवा लेंगे फ्रेंड। आज का दिन बीच में, कल शनिवार है, परसों तो शनिवार वाले दिन सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, इनकी चोरी वास्तव में हुई है, घर वाले ने लिए पैसे या कोई बाहर का ले गया, और चोरी अगर नहीं हुई तो इन्होंने हमारा नाम क्यों लिया, क्या चाहते थे ये लोग, सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, अपना खाना बनाना है, खाना भी है, ऐसे घूमते हैं पूरे दिन बिना खाए पिए, एक तो वैसे भी टेंशन कम थी और देखो और खड़ी हो गई ऐसी टेंशन की, सारे पूरे बर्बाद हो गए, हमारा तो लूट गया सारा कुछ। तो व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।